तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SSC CGL 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर, और ये सेट नंबर 5 है हमारा। तो इससे पहले सेट 4 तक हमने अपलोड कर दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में तो नहीं पूछे गए हैं, बल्कि कुछ करंट हैं, पर हमने इसमें शामिल किया है। तो प्रश्नों की प्रकृति जो SSC CGL का जो लेवल है उसी के हिसाब से है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप आगे बढ़ें इसमें और जब मेरा प्रश्न चालू हो जाए तो अगर आप चाहें तो इसे पॉज कर दें ताकि आपको अपना तैयारी चेक करने में बेहतर मदद मिल सके। हालांकि अगर आप चाहें तो इसमें चूंकि व्याख्या नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि कितने तैयार हैं आप या फिर कितना आपका सही हो रहा है उसे भी देख सकते हैं। क्योंकि लास्ट में प्रश्न खत्म होने के बाद, आंसर खत्म होने के बाद लगभग 4 या 5 सेकंड बाद हम उसका आंसर भी टिक करेंगे, तो बेहतर होगा कि आप पॉज करके ही सुने इसके बाद। तो बढ़ें, देखें जो पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। विकल्प दिए गए हैं 4। पहला है लाला हरदयाल, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है सोहन सिंह भखना या विनायक दामोदर सावरकर। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो हैं टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे। और प्रश्न नंबर 2 है कि सुश्री पारुल चौधरी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। विकल्प है बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, एथलीट। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, एथलीट हैं ये। 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के हैं ये, और उत्तर प्रदेश से भी मोहम्मद समी आते हैं। तो दो लोग जो उत्तर प्रदेश से थे इनको प्रदान किया गया था। हालांकि कुल 23 या 24 थे लगभग जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो उसमें दो लोग जो हैं, जिसमें एक पारुल चौधरी हैं और दूसरे हैं मोहम्मद समी जो क्रिकेटर हैं, उन्हें प्रदान किया गया वर्ष 2023 का। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि अचल पूंजी के उपभोग को किसके रूप में जाना जाता है, मूल्यह्रास, निवल निवेश, सकल निवेश या मूल्य वृद्धि। सही विकल्प यहां पे ए हो जाएगा, मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, महानिदेशक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार या प्रधान महालेखाकार। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ सात नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। सात नदियों में से एक झेलम नदी है, और इसका प्राचीन नाम क्या था, यानी कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है ये आपको बताना है। विकल्प है परुषणी, विपास, अस्कनी या वितस्ता। सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी या 4 हो जाएगा, वितस्ता नदी। झेलम का प्राचीन नाम जो है वितस्ता है। और प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित थी, माल्थस के लगान सिद्धांत पर या स्मिथ के लगान सिद्धांत पर या रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर या मार्क्स के लगान सिद्धांत पर। तो सही हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी, रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर, यानी कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर जो रैयत व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह आधारित थी। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31 या अनुच्छेद 15 से 21। सही विकल्प यहाँ पे नंबर ए हो जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11। और प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, राजस्थान जो है तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिट्टी के बर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए हुए हैं। पहला है कि हड़प्पा संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों में मुख्य रूप से पहिए के बने बर्तन होते थे, जिन्हें विभिन्न आकार और माप में बनाया जाता था, लेकिन उनमें कोई रंग नहीं होता था। दूसरा कथन है कि वे चूना पत्थर, जिप्सम और अभ्रक से बने विभिन्न मोर्टार और सीमेंट का उपयोग करते थे।
बताना है कि इनमें से कौन से गलत कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर डी, न तो एक और न ही दो। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि इनमें से सिर्फ पहला कथन गलत है। हालांकि पहला कथन बाकी सब सही है, बस इतना गलत है कि उनमें कोई रंग नहीं होता था, बल्कि क्या है वो रंगीन हुआ करते थे। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। और प्रश्न नंबर 10 है कि असम के सत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो असम में जो सत्र हैं उनके बारे में बताना है कि सत्र वैष्णव संत सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए 16वीं शताब्दी के 9 वैष्णव सुधारवादी आंदोलन के हिस्से के रूप में बनाए गए मठवासी संस्थान हैं, और इन सत्रों की स्थापना धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के केंद्र के रूप में की गई थी। और तीसरा कथन है कि अहोम शासनकाल के दौरान असम भर में अधिकांश सत्र नष्ट हो गए थे। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है, या सभी तीनों कथन सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी कथन हो जाएगा कि केवल एक और दो जो है, यानी कि दो कथन सही हैं इसमें, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, और जो तीसरा कथन है वह असत्य है। ठीक, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि इसमें दो कथन सत्य हैं। और प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाबोधि मंदिर में बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं, जहां उनका हाथ जमीन की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा कथन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा उपदेश देने का प्रतीक है। और तीसरा है कि सारनाथ में, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, पत्थर की मूर्ति में हाथ की मुद्रा है, जिसे धर्मचक्र मुद्रा कहा जाता है। और चौथा कथन है कि खड़े बुद्ध की मूर्तियाँ निर्वाण तक पहुँचने के बाद शिक्षा देने के लिए उठने का संकेत देती हैं। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चार। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि केवल तीन कथन सही हैं, इसमें एक कथन गलत है। तो गलत कथन की अगर हम बात करें तो गलत कथन जो है वो दूसरा नंबर कथन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा उपदेश देने का प्रतीक है। यहाँ पे अगर आप, हमने पिंग कर दिया, मतलब इसमें डाल दिया है एक लिंक, आपको मिल जाएगा इस पर, कि जो बुद्ध से संबंधित जितने भी जो उनकी मुद्राएं हैं, जो उनकी मूर्तियां पाई गई हैं, तो उनका क्या अर्थ है उसके बारे में हम, मतलब आप नीचे अगर चाहें तो उसको देख सुन सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, केवल तीन। और प्रश्न नंबर 12 है कि वॉकिंग बुद्ध की मूर्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वॉकिंग बुद्ध की मूर्तियाँ या तो ज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हुए या उपदेश देने के बाद लौटते हुए दर्शाती हैं। दूसरा कथन है कि यह बुद्ध की सबसे आम मुद्रा है और मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में देखी जाती है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी, कि न तो एक और न ही दो। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन सही है। दूसरा कथन थोड़ी सी सच है, थोड़ी सी गलत है, लेकिन गलत तो है। तो यहाँ पे गलत ये है कि यह बुद्ध की सबसे आम मुद्रा है, ये सच है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में देखी जाती है, ऐसा नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया में, मुख्यतः थाईलैंड में देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। और प्रश्न नंबर 13 है कि लेटे हुए बुद्ध की मूर्तियाँ और छवियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति या छवि बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेटे हुए बुद्ध को पहली बार गंधार कला में दर्शाया गया था। और तीसरा कथन है कि लेटे हुए आसन थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों में अधिक प्रचलित है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। एक, दो, केवल तीन, दो तीन, या फिर एक दो तीन। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो तीनों कथन है, ये तीनों कथन सत्य हैं। अब आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत में संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है। दूसरा कथन है कि भारत में लगाए जाने वाले किसी भी कर को राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा पारित कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्यों के पास कराधान की समवर्ती शक्ति है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, एक दो, एक तीन, और एक दो तीन।
तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल एक और दो कथन जो हैं सत्य हैं, बल्कि कराधान की समवर्ती शक्ति भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 है कि भारत के संविधान के अनुसार, मतलब कथन है, इन पर विचार करना है। पहला है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। दूसरा कि राज्यपाल को हमेशा मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर काम करना होता है और वह सदन को बुलाने के बारे में खुद निर्णय नहीं ले सकता। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी गिनना तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन, ने पहला कथन सही है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है कि संविधान, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है कि राजनीतिक दल राज्यसभा चुनावों में विधायकों को व्हिप जारी नहीं कर सकते। और तीसरा कथन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा जो विकल्प चलता है, मतपत्र विकल्प केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित आम चुनावों के लिए लागू है। बताना है कि इनमें से कितने कथन या कौन से कथन सही हैं। विकल्प हैं एक, दो, दो तीन, एक तीन या केवल तीन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधायक जो है किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्राइवेट, प्राइवेट सदस्य कौन होता है, जो मंत्री नहीं होते उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, दो और तीन। अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि जनहित याचिका, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन किस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। पहला अपीली अधिकार क्षेत्र, सलाहकार अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र या रिट अधिकार क्षेत्र। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। और प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(1) को शामिल किया ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। दूसरा कथन है कि भारत का संविधान सभी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करता है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल जो दूसरा कथन है वो गलत है, पहला सत्य है। दूसरा कथन ऐसा गलत है कि ये पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए बात करता है। ये 93वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5) है, उसमें ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो कथन जो, यानी कि दूसरा कथन है वो कथन गलत है। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि PM आवास योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PMY को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। PMY में शहरी और ग्रामीण दोनों आवास योजनाएँ शामिल हैं। और तीसरा है कि यह योजना गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। बता रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि इन तीनों कथन में तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20 और अंतिम है हमारा आज भाग 5 का या सेट 5 का, कि मिशन लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिशन लाइफ भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य संधारणीय जीवन को बढ़ावा देना है। संधारणीय यानी कि सस्टेनेबल लाइफ को बढ़ावा देना है। दूसरा है कि यह व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। तीसरा, मिशन लाइफ में उद्योगों के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या कोई नहीं।
तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल दो कथन सही हैं, यानी कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है, तीसरा नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन शैली के बदलाव को लक्षित तो करता है और विशेष रूप से ये उद्योगों के लिए दिशा, जिसमें विशेष रूप से उद्योगों के लिए कोई भी दिशा निर्देश इसमें शामिल नहीं है। इसके बजाय ये अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक निर्णय लेने में नागरिकों की भूमिका पर जोर देता है और इसे COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो कि नवंबर 2021 में हुआ था, तो वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसे इंट्रोड्यूस्ड किया था सन 2021 में नवंबर महीने में, मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि आप ऐसा खान पान रहन सहन करें जो कि आपके पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत।